देखो ये हमारे पास मौसमी का पौधा है। ये देखें माशाल्लाह अब ये फ्रूटिंग पे आ गया। तो ये फ्रूटिंग ले रहा था, मैंने सोचा आपको भी दिखाना चाहिए। ये देखें माशाल्लाह ये बड़ा बेहतरीन फल लगा इसके साथ। ये तकरीबन इसे 1.5 माह हो गया था ये फूल लिए हुए। ये मौसमी जो है ये किन्नू से पहले फल फूल ले जाता है। अभी हमारे पास लगा हुआ है किन्नू भी, लेकिन उसने अभी तक फूल नहीं लिए। किन्नू इंशाल्लाह अभी तकरीबन 20 दिन ठहर के लेगा फूल। तो अभी ये देखें माशाल्लाह ये बहुत बहुत इसके ऊपर ना माशाल्लाह फूल फल लगा है इस दफ़े। तो इसकी मैं आपको बता दूं कि ये जब इसके ये फूल देख जब ये छोटा छोटा फल बन जाए इस पर, तो फिर इस पर स्प्रे करवा देनी चाहिए टाइम पे। उसकी वजह ये है कि इस दफ़ा हमारे इधर सरगोधा इलाका में इस दफ़ा माल्टा बहुत ख़राब हुआ, वायरस की वजह से कीड़ा लग गया था। उसकी सिर्फ वजह ये थी कि वो स्प्रे नहीं था उन्होंने करवाया टाइम पर। तो इस दफ़ा बहुत माल्टा ख़राब हुआ था, लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा स्प्रे वगैरह टाइम पे हो गया तो ये बड़ा इनके लिए अच्छा हो जाएगा। और ये देखें जब फूल जो ले ले ना एक दफ़ा, तो ये जब इस ये जो इसके साथ सूखी टहनियाँ निकलती हैं तो इनको भी टाइम पे काट देना चाहिए, वरना ये सारी शाखें ये अब इधर से शुरू होगा ना तो ये इनको साथ लेता लेते सारी टहनी सूख जाएगी। अगर ये टाइम पर काट दिया गया तो ये पौधा इंशाल्लाह महफूज रहेगा। इसका ये है बस, इसका स्प्रे टाइम पे हो जाए और ये इसकी ये जो टहनियाँ ये टाइम पे ट्रिम हो जाए। तो बाकी अल्लाह पर खैर करें। ठीक है जी, अपना भी ख्याल रखिएगा अपने पौधों का, ये भी अल्लाह की मालूक है। जिस तरह इंसान के साथ ये बीमारी तंदरुस्ती सारा मामला है, जब इंसान बीमार हो जाए उसे भी दवाई लेनी पड़ती है, तो इसी तरह बस इनकी भी ये दवाई है। इनको स्प्रे करें, इनकी ट्रिमिंग कर दें। ये जिस तरह ये सूखी टहनी है, अगर ये नहीं काटेंगे तो ये फिर सारी पीछे की तरफ ना ये बढ़ती जाएगी। तो अभी हम आपको और भी पौधे दिखाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनकी साथ साथ थोड़ी बहुत आपको केयर भी बताएंगे जो उनके लिए ज़रूरी है। तो ये देखिए इनको पानी शानी भी लगाया, ये इनको पानी भी लगाया और इसका ये नीचे देखे कितना फूल आया हुआ है। लेकिन इसका मसला नहीं होता, ये थोड़ा बहुत ही ज़ाया होता है सब, माल्टा हो लीमो हो अमरूद, मतलब जो भी चीज़ भी एक दफ़ा फूल लेती है तो फूल में कुछ ज़ाया हो जाते हैं। बाकी अल्लाह हैर करे, ये मुकद्दर है हमारा और आपका, तो जो बच जाए अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस इसकी केयर करें ये भी काफ़ी हो जाता है। अब आपको इंशाल्लाह और पौधे भी दिखाएंगे और उनकी केयर भी बताएंगे जी, और इनके अच्छी फ्रूटिंग लेने के लिए। और ये जो ऊपर लगी है ना फ्रूटिंग, ये ज़ाया ना हो, इसके लिए अब ये है कि मौसम अब चेंज हो चुका है, अब गर्मी जो है ना ज़्यादा हो गई है। तो कोशिश करें कि इनको कम अज़ कम जो घर पर लगे हुए हैं उनको तीसरे दिन तो लाजमी पानी दें। हाँ जी, तो बाकी जो बागबान है उनका तो फिर ये सारा फसल के साथ ही होता है। अगर वो बागबानी के लिए भी ये अच्छी तो बात यही है कि जो किन्नू है ना या माल्टा, उसके अंदर गंदम ना बीजें, क्योंकि गंदम को जो चैत्र बैसाख मतलब मई जून जुलाई उन महीनों में गंदम को पानी नहीं लगाया जाता, और तब ये बागबान जो है अपना फल कुछ तब ज़ाया कर देते हैं, कुछ सर्दी पड़ती है तब ज़ाया हो जाता है। तो मतलब ये है कि जिन दिनों में गंदम पकती है ना उन दिनों में ऐसे माल्टे को पानी की बहुत ज़रूरत होती है शिद्दत। तो बेहतर तो ये है कि आप जो बागबान हैं उसके अंदर कोई और चीज़ बीज लें बजाय गंदम के। तो जो घरों में है उनको तो तीसरे दिन लाजमी पानी दें, जब इस कंडीशन पे हो तो थोड़ी सी खाद भी इनको दें जी।